हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ सीखने या अधिगम के प्रशिक्षण का स्थानांतरण। ठीक है, सीखने की प्रशिक्षण का स्थानांतरण, इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ। ठीक है, इसके प्रतिपादक या संपादक कौन है? थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ। अब बात कर लेते हैं सीखने के स्थानांतरण यानी प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता क्या है। जब हम किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में सीखी गई बातों का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में अगर वो सहायक हो रहा है या बाधक होता है तो उसे हम अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में सहायक या बाधक होना ही क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण होता है या प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। जैसे कि हम फिजिकल एजुकेशन करते हैं कि कार्यात्मक व्यवहार से जो अर्जन करते हैं, जो आदतों ज्ञान कौशल का नए कौशल का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस आदतों ज्ञान और कौशल का नए कार्य में जब प्रयोग करते हैं तो उसी को अधिगम या सीखने या प्रशिक्षण का स्थानांतरण बोलते हैं। तो एक कितनी प्रकार का होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्थानांतरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। प्रशिक्षण का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है प्रकृति के आधार पर। स्थानांतरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर, दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा शून्यात्मक स्थानांतरण। पहला है धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण उसको कहते हैं कि जब पूर्व का ज्ञान, ठीक है, जब पूर्व का ज्ञान नवीन कार्य के अर्जन में सहायक हो। ठीक है, जब हम जो भी कार्य हम पूर्व में सीखे हुए हैं वो नवीन कार्य जब हम कर रहे हैं तो उसको करने में या सीखने में सहायक हो, वहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे कि टेनिस खेल का अनुभव या ज्ञान बैडमिंटन खेलने में होता है सहायक। ठीक है, टेनिस का ज्ञान बैडमिंटन खेलने में जब सहायक होता है, सीखने में सहायता कर रहा है, तो यहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है, दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण यानी जब पूर्व का ज्ञान नवीन प्रकार के ज्ञान के अर्जन में बाधक होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे कि साइकिल का नाव चलाने में, कोई सहायक तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ऋणात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, और तीसरा है शून्यात्मक स्थानांतरण यानी कि जब पूर्व का ज्ञान और अनुभव नवीन प्रकार के ज्ञान के अर्जन में न तो सहायक होता है और न बाधक होता है, वहाँ पे शून्यात्मक स्थानांतरण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि धनात्मक ऋणात्मक शून्यात्मक स्थानांतरण क्या होता है। जो पूर्व का ज्ञान नए कार्य में सहायता करे वो धनात्मक स्थानांतरण, जो सहायता न करे वो ऋणात्मक स्थानांतरण, जो न सहायता करे न बाधक हो तो वो शून्यात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब है एक प्रकार अन्य प्रकार से, जैसे कि डायमेंशन या दिशा के आधार पर सीखने के स्थानांतरण को तीन प्रकार से बांटा गया। जैसे धनात्मक ऋणात्मक शून्यात्मक, तो स्थानांतरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तीन प्रकार में बांटा गया था। अब डायमेंशन या दिशा के आधार पर सीखने के स्थानांतरण को तीन प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि क्षैतिज अंतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ऊर्ध्व अंतर यानी वर्टिकल ट्रांसफर, द्विपार्श्विक अंतर यानी बाई लेटरल ट्रांसफर। ठीक है, तो क्षैतिज अंतरण यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर उसे कहते हैं कि जब एक प्रकार की परिस्थिति में प्राप्त अनुभव का प्रयोग उससे मिलती जुलती दूसरे प्रकार की परिस्थिति में होने लगता है तो उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक प्रकार की परिस्थिति में कोई ज्ञान या अनुभव प्राप्त किए हैं और सेम उसी प्रकार की परिस्थिति में उसका वो सहायता होता है, मिलती जुलती दूसरे प्रकार की परिस्थिति में होने लगता है उसका प्राप्त अनुभव का प्रयोग। जैसे कि एक स्कूटर चलाना हम जानते हैं तो उसी प्रकार दूसरे प्रकार के स्कूटर में हम केवल स्कूटर ही जैसे स्कूटर चलाना जानते हैं तो दूसरे प्रकार के स्कूटर में हम उसी ज्ञान का अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे क्षैतिज अंतर होगा। यानी कि स्कूटर चलाने का अनुभव होने पर दूसरे प्रकार के स्कूटर चलाना, ये हमारा क्षैतिज अंतरण होता है। और दूसरा है ऊर्ध्व अंतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफर, इस प्रकार की परिस्थिति में प्राप्त यानी एक प्रकार की परिस्थिति में प्राप्त अनुभव का प्रयोग हम उसे भिन्न या उच्च कोटि की कार्य में करते हैं। जैसे एक प्रकार
की परिस्थिति में हम अनुभव जो प्राप्त किए हैं, तो जो जो कार्य हम सीखे हैं, जो क्रिया सीखे हैं, तो उससे भी उच्च श्रेणी में हम उच्च कोटि के कार्य को सीखने में जब उसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम ऊर्ध्व अंतरण या वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाने के अनुभव का कार चलाने में, तो साइकिल एक छोटा चीज सीखने के अनुभव का कार यानी कि उच्च कोटि के कार्य में जब करते हैं तो वहां पे ऊर्ध्व अंतरण होता है, ठीक है। और द्विपार्श्विक अंतरण यानी बाई लेटरल ट्रांसफर में क्या होता है कि जो कोई कार्य हम दाएं हाथ से कर रहे हैं, यदि उसी कार्य को हम बाएं हाथ से करने लगते हैं, या जो कार्य हम बाएं हाथ से कर रहे हैं उसी कार्य को हम दाएं हाथ से करने लगते हैं, तो उसी को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण के बारे में आप जान गए होंगे, यानी कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त अनुभव सेम उसी उसे मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में करते हैं। जैसे कि स्कूटर का स्कूटर चलाने का अनुभव दूसरे प्रकार के स्कूटर में चलाना, और ऊर्ध्व अंतरण किसे कहते हैं, जब एक प्रकार की परिस्थिति में प्राप्त अनुभव का प्रयोग हम उससे भी नहीं यानी उससे भी उच्च कोटि के कार्य में करते हैं, जैसे साइकिल चलाने का अनुभव, कार चलाने में ऊर्ध्व अंतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफर हो गया। और द्विपार्श्विक में जब दाएँ हाथ से काम कर रहे हैं तो बाएँ हाथ से करेंगे, बाएँ हाथ से जो कर रहे हैं वो दाएँ हाथ से करेंगे, वही द्विपार्श्विक अंतरण होता है। जैसा कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अधिगम के स्थानांतरण क्या है, यानी कि प्रकृति के आधार पर भी धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्यात्मक, जो ज्यादातर पूछा जाता है धनात्मक ऋणात्मक शून्यात्मक से, और दिशा के आधार पर भी जानना आपको आवश्यक है, कभी पूछ सकता है। क्षैतिज अंतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ऊर्ध्व अंतरण वर्टिकल ट्रांसफर, द्विपार्श्विक अंतरण बाई लेटरल ट्रांसफर। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।